चुनाव में विजय के पश्चात पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई, कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज्यादा बीमारी है, ये हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं विशेषकर यूथ युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका भी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। भौगोलिक दृष्टि से संक्रमण ज्यादा है उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और अगर कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है और पेटेंट करा लेती है तो हमने ये सुझाव दिया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि हमारी काफी वैक्सीन के डोजेज चाहिए, एक कंपनी अगर ना बना सके तो दूसरी कंपनी को दूसरी फार्मूले को बनाने का काम होता है। फिर मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है, तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें, मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाजत मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास इतना भी नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई, मैंने आग्रह किया। मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को सहायता दी जाए इसका आग्रह किया, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो उसका उपयोग हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफी अच्छा काम चौथा फॉर्म मध्य प्रदेश में चल रहा है, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा पुस्तिका मैंने उनको सौंपी है और टाइमलाइन हम तय करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके मुख्य बिंदुओं पर भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, सुशासन का सवाल हो, गुड गवर्नेंस या अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुद्दा हो, हर एक विस्तार से चर्चा।